इंदौर में एग्रो केमिकल एसोसिएशन का गठन हुआ। इस अवसर पर सभी उपस्थित व्यापारियों ने हर उस बिंदु पर विचार विमर्श किया जो एसोसिएशन के द्वारा किया जाना चाहिए। कृषि विभाग द्वारा जारी अवैध वसूली से व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। इसमें समय समय पर अवगत किए जाने वाली जानकारी का अभाव ही कारण माना जा रहा है। एसोसिएशन के संयोजक प्रकाश सोनी के अनुसार एक प्लेटफॉर्म पर जब सारे व्यापारी इकट्ठे होते जाएंगे तो हमारे एसोसिएशन के उत्तरदायित्व बढ़ेंगे, जिसे समय समय पर डॉक्यूमेंट्स एवं लाइसेंस की ट्रेनिंग करवाना एसोसिएशन का लक्ष्य रहेगा। की जा रही है अधिकारियों के द्वारा जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि बहुत पैसे दे के आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेबल हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं, और हमने हमारी मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि भाई एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी, एक निर्णायक यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं कि जिससे हमारे आगे चल के हमारे व्यापारियों को परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। मेरा कृषि विभाग से किस तरह से मतलब परेशान करते हैं सर अधिकारी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर बहुत सारे नियमों का हवाला देकर कि आप ये नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप ये नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग सर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नियम फॉलो किए जाएँ जो भी एज पर लॉ होते हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी हैं।